हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू, इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। सीखने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आया था उसे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और इस टाइप के काफी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपका और भी बेटर तरीके से रिवीजन हो सके। एंड जस्ट ये आपको आता भी होगा, बट आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में राइट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छी तरीके से अपलोड कर सकूं और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके, बिकॉज ऑफ इट इज सैम 6। तो नाउ स्टार्ट द सम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 के पेपर का। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। यहां पे बोला है ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज निकालना है, एंड इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसे मैं कहता हूं LHS, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड देन यहां पे मैं लिख देता हूं RHS, दैट मींस इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। और उससे पहले अगर आप लेक्चर में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अभी के अभी। सो नाउ स्टार्ट द सम। तो सबसे पहले हम करेंगे यहां पर एडिशन। एडिशन किस तरीके से किया जाता है, ऑलरेडी काफी वीडियो अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। यहां पर मैं डायरेक्टली आपको ए प्लस बी करना सिखा देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैंने लिख दिया a प्लस बी, दैट मीन्स a के अंदर आपको v को ऐड करना है, राइट। अब यहां पे मैट्रिक्स की बात है, किस तरीके से ऐड करेंगे बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही स्लो लेवल से आपको समझाने वाला हूं। रो में आपको रो को प्लस करना है, क्यों प्लस करना है, बिकॉज ऑफ प्लस इज गिवन, राइट। 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहां पर राइट कर दिया मैंने 4। 3 और 1 कितना होता है 4, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 4। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से एडिशन कर रहा हूँ। 4 में 3 ऐड किया और आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है 7। आई होप आप फर्स्ट रो में किस तरीके से मैंने प्लस किया आप समझ गए। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड एंड थर्ड में थर्ड, राइट। चलते सेकेंड रो की तरफ, 1 प्लस 6 7, यहां पे 2 है और यहां पे -1 है। ध्यान रखना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 1 गया तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 1। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, ऐसे तो नहीं चलना चाहिए कि सर यहां पे आपने माइनस की साइन क्यों नहीं रखी, बिकॉज आप जानते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसी की साइन को यूज करते। तो यहां पर जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो 2 है, और 2 किसमें है, प्लस में। सर यहां पर दिखाई तो नहीं दे रहा है, प्लस कभी दिखता नहीं है। 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, अगेन फिर से वही क्वेश्चन आया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन आप बोलेंगे सर आपने माइनस क्यों नहीं रखा, मैं आपको हमेशा बता दिया कि जो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, प्लस कभी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट -5 एंड +2, अब यहाँ पे -5 एंड +2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे साइन माइनस की आएगी। अब आपके मन में अगेन क्वेश्चन क्रिएट, सर अब आपने माइनस क्यों लगाया, बिकॉज जो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, और जिसकी साइन, जो संख्या बड़ी होती है उसी की हमेशा हम क्या यूज करेंगे, साइन। एंड लास्ट वन, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे आपको मिल चुका है a प्लस बी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो अभी के अभी इसे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छी तरीके से अपलोड कर सकूं। नेक्स्ट वन चलते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी नहीं पूछा था, एक्चुअल में हमसे पूछा गया था a प्लस बी का भी ट्रांसपोज करना, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप भी यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट ना। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कन्वर्ट टू कॉलम, जो रो है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रो है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रो है ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरवाइज कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी रो में क्या लिखा हुआ है सर, 4 4 7 1। अभी आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसपोज सॉल्व कर रहे हैं, तो रो किस में कन्वर्ट कर दूं, कॉलम में। 4 4 7 अभी रो था, तो अब यहां पे क्या बन गया, कॉलम बन गया, 4 4 7 7 1 6 अभी क्या है, रो, अब क्या बन जाएगा, कॉलम।
7, 1, 1 and 6 एंड लास्ट 0, -3, 8 अभी क्या दिख रहा है रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में 0, -3 एंड फाइनली लास्ट आंसर आ गया 8 एंड देन ये हो चुका है आपका सॉल्यूशन ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट मींस यहां पर मैंने LHS सॉल्व कर दिया और ये रहा हमारे LHS का आंसर बट पिक्चर अभी बाकी है बिकॉज अब सामने भी कोई है कौन है RHS सर RHS मतलब राइट हैंड साइड तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बी का ट्रांसपोज निकालना है फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है फिर दोनों को ऐड करना है तब आपको मिलेगा बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज इसके लिए हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले हमें बी की मदद से बी का ट्रांसपोज सॉल्व कर लेना है तो मैं यहां पे आपको बी का ट्रांसपोज सॉल्व करके बताने वाला हूं बी का ट्रांसपोज किस तरीके से आएगा अभी हाल आप समझ गए थे रो कन्वर्ट टू कॉलम कॉलम कन्वर्ट टू रो तो यहां पे आपको दिख रहा है 2, 1, 3 रो में तो क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा तो आप यहां पे राइट कीजिए 2, 1, 3 आई होप आप समझ गए नेक्स्ट वन 6, -1 एंड 3 अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी कभी से लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो वहां पे भी आपको आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप मेरे साथ पूछ सकते हैं और अपनी सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वन यहां पे दिया 4, 2, 1 तो इसे भी आप कन्वर्ट कर दीजिए 4, 2, 1 कैसे कन्वर्ट किया आई होप आप समझ गए जितनी भी रो थी उसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया कॉलम में और हमें क्या मिल गया बी का ट्रांसपोज बट अभी पिक्चर बाकी है बिकॉज ऑफ अभी हमें क्या निकालना है सर ए का ट्रांसपोज भी निकालना है तो मैं यहां पर प्लस की साइन कर देता हूं और यहां पे सॉल्व कर देता हूं ए का ट्रांसपोज अब तो आप ट्रांसपोज करना समझ ही गए होंगे कि सर रो कन्वर्ट टू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्ट टू रो चलते यहां पर यस 2, 3, 4 रो में है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में 2, 3, 4 नेक्स्ट वन 1, 2, 3 तो आप भी यहां पर राइट कीजिए 1, 2 एंड 3 एंड लास्ट वन -4, -5 एंड सेव 1 राइट कीजिए यहां पर -4, -5 एंड सेव 1 और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है ट्रांसपोज बट पिक्चर में क्या पूछा गया था आपसे सर हमें निकालना है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज तो मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बता देता हूं बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज अब हमारे पास सभी की वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही ये रहा बी का ट्रांसपोज और ये रहा ए का ट्रांसपोज क्या करना हमें प्लस करना है प्लस कैसे करना है रो में रो को ऐड कर दीजिए और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है अगर आप सेम 6 में भी स्टडी कर रहे हो और आपके सेम 2 और सेम 4 में एटी आई हुई है तो जिस तरीके से सेम 2 और 4 वालों को मैरिज बेस प्रोग्रेशन दिया गया है सेम टू सेम आपको भी दे दिया जाएगा तो आप सेम 2 और सेम 4 से मेंटली फ्री हो जाइए एंड 100% अपना फोकस TY बीकॉम सेमेस्टर 6 पे लगाइए बिकॉज ऑफ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके करियर पे डिपेंड करती है आपका अच्छा रिजल्ट तो आना ही चाहिए सो ऐड करते हैं 2 + 2 = 4 हो गया वेरी परफेक्ट 6, 1 कितना हो गया 7 हो गया ए प्लस का 4 ये माइनस का 4 प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है तो आप यहां पे 4 में से -4 गया तो कितना हो जाएगा 0 यहां पे 1 और 3 कितना होता है सर 4 होता है वेरी परफेक्ट -1 + 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस पर साइन किसकी आती है बड़ी संख्या की बड़ी संख्या कौन है यहां पे 2 तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर 1 बचेगा ना तो लिख दो ना 2 एंड -5 अगेन यहां पर प्लस माइनस देखो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो प्लस माइनस में ही अटक जाते हैं तो जब भी आप प्लस माइनस में अटके तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अब बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि सर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस माइनस नहीं यार प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चीज को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं बट पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है वो कभी नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा चाहे वो लाइफ हो चाहे वो स्टडी हो चलते हैं नेक्स्ट वन यहां पर +2 - -5 प्लस माइनस माइनस साइन किसकी आएगी बड़ी संख्या की हो गया यहां पे -3 5 में से 2 चला गया 3 और 4 = 1 तो आप यहां पे राइट कर दीजिए सेव 1 3 एंड 3 कितना हो गया 6 हो गया एंड लास्ट वन 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया और ये हमारा सॉल्व हो चुका है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मैंने क्या नाम दिया था सर आपने नाम दिया था RHS तो आप भी यहां पे राइट कर दीजिए RHS और एक बार चेकआउट कर लेते क्या LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं हमारा LHS कहां पे इरा LHS
ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, कितना कुछ समझ में आया अभी हल कमेंट करके बताइए, और भी कौन से लेक्चर चाहते हो उसे भी कमेंट करके राइट करके बता सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप हमें वहां पर फॉलो करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना था हमारा LHS 447 और RHS में देखो 447 कन्वर्ट सेम मिल रहा है ना, 716 यस 716 एंड 0-38 0-38 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सम क्या हो चुका है राइट हो चुका है बिकॉज ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।